देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 12 × 10^25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहां पर एक और चीज गिवन है आपको, Na की वैल्यू गिवन है कितनी है, 6 × 10^23। और आपको ऑक्सीजन का एटम गिवन है, जिसका देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 और मास नंबर क्या है 17। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसे जेड से आप डिनोट करते हो, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसे आप ए से डिनोट करते हो। एटॉमिक मास यहां पर ऑक्सीजन का कितना गिवन है 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने हैं यहां पर 8 गिवन है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम के अंदर, एक ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 9 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कैलकुलेट करेंगे पहले हम कि इतने नंबर ऑफ एटम के अंदर मोल आखिर कितने हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे एक ऑक्सीजन एटम में 9 न्यूट्रॉन्स है, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 9 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक मोल में अगर 9 मोल न्यूट्रॉन्स है, तो हम यहां पर ये कैलकुलेट करते हैं पहले कि इस नंबर ऑफ एटम में, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में मोल्स कितने हैं। तो देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन ए, गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 12 × 10^25 अपॉन एन ए, एन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 6 × 10^23। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे यहां से कैलकुलेट करोगे, तो 200 मोल्स यहां पर ऑक्सीजन एटम है आपके पास। तो देखो एक मोल ऑक्सीजन एटम में 9 मोल न्यूट्रॉन है, तो मुझे बताओ 200 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 200 × 9 इज इक्वल टू 1800, क्या है 1800 मोल न्यूट्रॉन्स यहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोल मतलब कि एन ही होता है। ठीक है, तो हियर इज योर आंसर।